हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। तो चैप्टर 10 की मैं आज आप लोगों को थ्योरम्स करवाऊंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो मैं थ्योरम्स करवाने जा रही हूँ, प्लीज इन थ्योरम्स को आप लोग बार बार जो है वो रिपीट करना, रिवाइज करना, क्योंकि ये थ्योरम्स जो हैं ये एग्जाम्स में आती हैं। तो आज मैं आपको चैप्टर करवाने से पहले थ्योरम्स करवाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम फर्स्ट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू कंटैक्ट। तो अभी हम फिगर बनाएंगे पहले। ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है? उसके बाद टेंजेंट ड्रा करेंगे एक एक्स वाई। एक्स वाई अब हमने टेंजेंट ड्रा किया। इसके मिडल में एक पॉइंट ले लो ओ, ठीक है? ये ले लो पी, ये ले लो आर और ये ले लो क्यू। तो ये हमारी फिगर बन गई। तो हमारी थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। क्या जो है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर वो टेंजेंट होता है, ये बिल्कुल टच करना चाहिए टेंजेंट एक पॉइंट पे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? रेडियस के। थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, रेडियस कौन सा है हमारा? ओपी। ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। टेंजेंट इज एक्स वाई। तो अब हम जब करेंगे थ्योरम तो आपको समझ आएगी कि हम लोगों ने क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। गिवन हमें क्या है? गिवन है हमें एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ठीक है, विद टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी। इस सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई। टेंजेंट क्या है हमारे पास? एक्स वाई। गिवन है ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी। एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी। समझ आ गई? ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी। टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमने? OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। हमें प्रूव करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके? एक्स वाई के। समझ आ गई? ये जो OP है ये हमारा रेडियस है। हमने प्रूव करना है कि OP जो है ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। समझ आ गई ना? अब क्या प्रूव करना है? देख लो, अभी भी सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पी। टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, प्रूव।
पॉइंट, मान लेते हैं कि P जो है वो एक पॉइंट है R एक्स वाई। देख लो हमने क्या किया, P को एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई के ऊपर। समझ आ गई? चलो अब थ्योरम करेंगे सेकंड। कौन सी थ्योरम? सेकंड थ्योरम। थ्योरम सेकंड है हमारे पास equal। क्या है? The lengths of tangents drawn
एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, जो टेंजेंट्स की लेंथ है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट में सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, उनकी लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बड़ा सा, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया हमने सर्कल। अब क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे बीच में सेंटर ओ, इसी की सीध में बिल्कुल एक पॉइंट ले लेंगे यहां पर, पी ले लो, कोई भी पॉइंट यहां पर ले लो, ओपी को आप डॉटेड में ज्वाइन कर लो। क्या करना है, ओपी को डॉटेड में ज्वाइन करना है, वी हैव टू ज्वाइन ओपी इन डॉटेड लाइन, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमने पी से दो टेंजेंट खींचने हैं, ठीक है, यहां से खींचो पी से टेंजेंट, ठीक है, एक ये टेंजेंट हो गया, एक इसी तरह से हमने ऊपर भी खींचना है, एक ये हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, तो ये हो गए टेंजेंट, ठीक है। अब इन टेंजेंट्स का नाम रख लो क्यू और आर, कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्यू और आर रखे, आप ए भी रख सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कुछ भी इसका पॉइंट रख सकते हो। तो क्या है हमारी थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, क्या इन टेंजेंट्स की लेंथ, ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है हमारा, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी इज अवर एक्सटर्नल पॉइंट। तो P से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं टू ए सर्कल, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, तो हमने बताना है कि इन टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो बराबर है। कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, किसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं उनकी लेंथ जो है वो बराबर है। समझ आ गई आपको थ्योरम, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ निकालते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ, क्या है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम ए, आप ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, अब फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट पी है जो आउटसाइड द सर्कल है, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल ड्रॉ टू टेंजेंट्स क्यू एंड आर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट पी outside the circle, क्या है, from a point P outside the circle draw two tangents कौन कौन से, Q and R, समझ आ गई, construction हमारी हो गई, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने क्या किया है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि इनकी लेंथ बराबर है टेंजेंट्स की, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, हमने प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। समझ आ गई, वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ ले लेंगे, अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है POQ और दूसरी बनी है POR, तो चलो इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल
पीओ क्यू एंड पीओ आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू एंड पीओ आर। अब ट्राइंगल पीओ क्यू और पीओ आर में क्या है हमारे पास, ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर क्यू, क्योंकि ये रेडियस है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडियाई लिख लो इसको, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है हमारे पास। पीओ, ओपी इज इक्वल टू ओपी और ओपी इज इक्वल टू पीओ, तो ये क्या है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ओपी इज इक्वल टू पीओ। ठीक है, समझ आ गई, दूसरा भी समझ आ गया। तीसरा, एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ठीक है, राइट एंगल, ये राइट एंगल बना रहे हैं, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो राइट एंगल। समझ गए आप लोग, ये तीनों चीजें हो गई, जब ये तीनों चीजें हो गई तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्राइंगल पीओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओ आर, तो क्या हो गया, ये ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो एक देयरफॉर PQ is equal to QR, PQ जो है वो QR के बराबर आ गया, therefore PQ is equal to QR, hence proved। समझ आ गई आप लोगों को, देख लो अच्छी तरह, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट चलूंगी, देख लो शाबाश अच्छी तरह। देख लो अच्छी तरह, शाबाश। चलो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर थ्री। है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस is the tangent to the circle, is the tangent to the circle, is the tangent to the circle।
तो क्या है हमारी थ्योरम, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, एक लाइन जिसको हम ड्रॉ करते हैं थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट से, एंड परपेंडिकुलर टू इट, और जो इसके परपेंडिकुलर होती है इज द टेंजेंट टू द सर्कल, वो सर्कल की टेंजेंट होती है। तो चलो मैं आपको पहले बनाती हूँ फिगर, फिर बनाती हूँ बताती हूँ आपको। ठीक है, आप लोगे पहले क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, फिर ए बी ड्रॉ करो एक टेंजेंट, ये है ए और ये है हमारे पास बी, और अब हम ओ ले लेंगे सेंटर, बी यहां पर आ जाओ क्यू, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये हमारे पास, ये हमने ड्रा कर ली फिगर, अब मैं करूंगी तो आप लोगों को समझ आएगी कि मैं क्या कर रही हूं। गिवन क्या है, एक गिवन क्या है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ओ विद ओ सेंटर एंड आर रेडियस, ठीक है, एंड ए लाइन एपीबी, एपीबी जो नीचे लाइन है इज परपेंडिकुलर टू ओपी, ये जो एपीबी लाइन है इज परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है। ए सर्कल ओ आर, ठीक है, एंड ए लाइन एपीबी परपेंडी कुलर टू किसके, ओपी के, एंड ए लाइन एपीबी, कौन सी लाइन, एपीबी परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है, वेयर ओपी इज द रेडियस, जहां पे ओपी क्या है, ओपी इज द रेडियस, समझ आ गई, ये ओपी जो है ये रेडियस है, ओ जो है ये सेंटर है, एपीबी जो है एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू ओपी, समझ आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, जो एबी है इज टेंजेंट एट पी, क्या प्रूफ करना है, एबी इज टेंजेंट एट पी, ए बी इज टेंजेंट एट पी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन द लाइन ए बी, ठीक है, किस क्या ले लो, एक पॉइंट ले लो क्यू ऑन लाइन ए बी, समझ आ गई, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन लाइन ए बी डिफरेंट फ्रॉम पी, डिफरेंट फ्रॉम पी, ज्वाइन ज्वाइन कर लो ओ क्यू को, ठीक है, समझ आ गई यहां तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रूफ। अब सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ओपी जो है वो एबी के परपेंडिकुलर है, सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ओपी एबी के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, ठीक है, इंप्लाइज ओपी इज लेस देन ओ क्यू और ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ये भी लिख सकते हैं, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट क्यू है, देखो ये सर्कल से बाहर है, अंदर नहीं है सर्कल के, तो आप लोगों ने लिखना है द पॉइंट क्यू, द पॉइंट क्यू लाइज, द पॉइंट क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये जो पॉइंट है क्यू
ये आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, द पॉइंट Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन B लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन AB, ठीक है, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P lies outside the circle, lies outside the circle, कोई भी point होगा other than P, P के अलावा वो circle के बाहर ही lie करेगा. This shows that AB, ठीक है, this shows that AB meets the circle at point P. This shows that AB meets the circle at point P. ठीक है, तो यहां तक हो गया. अगर ये hence अगर AB meet करता है circle को at point P, तो hence क्या है, AP is a tangent to the circle at P. AB, hence AB is a tangent to the circle. ठीक है, at point P, hence AB is a tangent to the circle at point P. तो hence proof, ये proof होगी हमारी theorem. तो ये थी तीन theorems. Chapter start करने से पहले मैंने आप लोगों जो करवा दी हैं, ये सर्कल के थ्योरम्स हैं, इनको आप ध्यान से घर में कर लेना. तो नेक्स्ट हम कल करेंगे. थैंक यू.